वेलकम। इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से पहले किन चीज़ों को सोचना है। नो इफ यू हैव प्रेजेंटेशन तो हाउ कैन वी बीट डेथ बाय पावर पॉइंट। तो डेथ बाय पावर पॉइंट का मतलब ये होता है कि आप सॉफ्टवेयर की पुअर प्रेजेंटेशन करें, आपके फॉन्ट्स, आपके कलर्स, आपके ग्राफिक्स, आपके टेबल्स जो है वो और जो है बहुत पुअरली प्रेजेंट किए जाएं, और आपकी स्लाइड्स जो है बहुत मैसी हों, उसमें बहुत सारी टेक्स्ट हो, आप स्लाइड्स को रीड कर रहे हों और लोग सो रहे हों। तो कैसे आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, तो तीन से चार चीज़ें हम यहाँ पे बात करेंगे। फिर स्लाइड्स कैसे बनाते हैं, कितनी स्लाइड्स होनी चाहिए, वो फिर किसी और टाइम पे। तो सब ये जो मेरी स्लाइड्स हैं, ये जो आपको गाइड करने जा रहे हैं हम, फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, कलर्स क्या होने चाहिए, ग्राफिक्स आपको किस तरह से प्रेजेंट करने चाहिए, तो लेट्स सी। तो आपके पास जो है पहली बात जहन में रखिए कि स्लाइड्स आपकी प्रेजेंटेशन को एनहेंस करने के लिए, एज सच वो आपकी प्रेजेंटेशन नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ आप हैं जो लोगों को अटेंटिव रख सकते हैं, लोग आपकी बात सुने, रादर देन के लोग एक दो मिनट बाद जो है अपने सेल फोन ऑन कर लें और दे डोंट लिसन यू। तो अगर लोगों ने ऐसे सेल फोन यूज़ शुरू कर दिए हैं, आपकी जो ही प्रेजेंटेशन शुरू हुई है, तो इट मींस वी आर हैविंग डेथ बाय पावर पॉइंट। तो उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, तो एक एफर्ट है, देखें वो क्या है। पहली चीज़ कि आपने सिर्फ और सिर्फ वो की पॉइंट्स नोट हाईलाइट करने हैं जो कि आपके जो व्यू पॉइंट है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और आपकी जो है वो स्लाइड्स, अभी बात आती है, वो शॉर्ट होनी चाहिए और उसमें की वर्ड्स और कैची फ्रेजेस होनी चाहिए, और आपकी स्लाइड जो है वो विद इन 95% ऑफ स्लाइड साइज फिट होनी चाहिए एज इज प्रेजेंटेड हियर। पावर पॉइंट लेआउट में आपके पास लेआउट जो है, ये जो अभी हमने बात की है, तो ये नहीं होना चाहिए किसी स्लाइड में वो ऐसे इधर है, किसी जगह पे इधर है, तो वो उसको शो करना चाहिए, ये कंप्लीटनेस है। हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, लोगोस, अगर हेडिंग्स मेरे राइट अलाइंड हैं तो वो राइट अलाइंड रहें, अगर वो सेंटेंस केस हैं तो वो सेंटेंस केस रहें, लोगो अगर मेरा यहाँ पे टॉप पे है तो वो टॉप पे रहे, ये नहीं एक स्लाइड की वो इधर नीचे आ गया, एक के इधर आ गया, एक के सेंटर में आ गया, तो ये नहीं होना चाहिए। मार्जिन्स, फॉन्ट्स, फॉन्ट साइज, कलर्स, ये आपके कंसिस्टेंट होने चाहिए। लुक एट दिस, हम तीन बातों पे ज़्यादा फोकस करने जा रहे हैं, एक फॉन्ट है, एक फॉन्ट स्टाइल है, एक कलर है। तो फॉन्ट्स जो है कैलिबरी कोशिश करें नहीं यूज़ करें, तो ये जो है वो आप जो, मैं ज़्यादातर जॉर्जिया यूज़ करता हूँ, यहाँ पे टाहोमा यूज़ किया गया है। तो अब आप देखिए, तो फॉन्ट साइज में आपके पास अगर आप ये लास्ट लाइन वाला फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं तो इट्स पैथेटिक, आप इससे ऊपर वाला यूज़ कर रहे हैं तो रिलेटिवली बेटर। तो 32 से कम फॉन्ट साइज इन जनरल अवॉइड करें, इन जनरल 32 से कम फॉन्ट साइज वाली जो बुलेट्स हैं उनको अवॉइड करें, लार्जर द बेटर, द लार्जर द बेटर। आपकी स्लाइड्स जो है बिल्कुल जो रूम के एंड पे आखिर में बंदा जो है बैठा हुआ है उसके लिए वो रीडेबल होनी चाहिए। अब देखिए, फॉन्ट साइज में आप जो है वो कोई अपनी डिजाइनिंग नहीं कीजिए। अब जैसे ये वाली चीज़ है तो ये आपके पास जो है वो स्मॉल फॉन्ट्स, बोल्ड्स, इटैलिक्स, ये चीज़ें मिक्सअप नहीं करें, आपको 32 का फॉन्ट साइज रखना चाहिए विद स्मॉल बुलेट्स, अभी बात आती है। तो स्मॉल फॉन्ट्स लाइक इस तरह का आपने अगर फुटर देना है तो उसके लिए ओके। आपने फॉन्ट साइज में रीडेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना कि आप स्टाइल बनाएं, लोग आपका स्टाइल नहीं देखने आए, लोग आपसे वो इन्फॉर्मेशन और वो आइडिया के बारे में सुनने आए हैं, आप वो अपनी प्रोडक्ट जो लॉन्च करने जा रहे हैं, आप जो अपने सीईओ को प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। तो आप देखिए, तो यहाँ पे ये तीनों चारों जो है वो आपकी रीडेबिलिटी जो है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट बना रहे हैं। कैप्स एंड इटैलिक्स, तो कैपिटल लेटर्स अगर आप हर जगह यूज़ करेंगे तो एक तो इट विल बिकम हार्ड टू रीड, सेकेंडली आपकी एब्रीवेशन मिस हो जाएंगी, थर्डली आप जिस लेटर पे फोकस करना चाह रहे थे वो आपका मिस हो जाएगा। इटैलिक सिर्फ आप कोट्स को करते हैं जो किसी जगह से आपने ली हुई है, या कोई बड़ा यूनिक आइडिया है, या आप कोई रेफरेंस दे रहे हैं। तो टेम्पलेट आप कोशिश करें, पावर पॉइंट के टेम्पलेट्स मौजूद हैं, बट
वो टेम्पलेट जो है वो आपके ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो डिफरेंट स्टाइल हैं एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको अपनी स्लाइड्स का एक यूनिक थीम रखना चाहिए सो दैट लोग आपकी बात को सुने, ना कि आपके स्लाइड्स के डिजाइंस को देखें। तो यूज द सेम बैकग्राउंड ऑन ईच स्लाइड। हाउएवर, अगर आप अपनी स्लाइड को जरा प्रोमिनेंट, कोई खास चीज आ गई है, आप 15 स्लाइड 18 में से कोई बहुत प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, तो यू कैन गो फॉर दैट। ये नहीं करें कि एक स्लाइड का कलर और है, दूसरी स्लाइड का कलर और है। कलर्स रेड एंड ऑरेंजेस आर प्री अटेंटिव कलर्स, वेरी यूजफुल। लेकिन अगर आप थ्रू आउट रेड यूज करेंगे तो लोग कब तक अटेंशन आपको देंगे। ग्रीन ब्लूज एंड ब्राउन्स आर जो है वो बहुत अटेंशन ग्रैबिंग कलर्स नहीं है। रेड और ग्रीन्स वैसे भी कलर ब्लाइंड के लिए यूज नहीं करने चाहिए। तो आपको जब कलर यूज करने हैं तो ग्रीन को ब्लू पे नहीं करें, डार्क येलो को ग्रीन पे नहीं करें, पर्पल को ब्लू पे नहीं करें, ऑरेंज को ग्रीन पे नहीं करें, रेड को और ग्रीन को तो वैसे ही हम निकाह नहीं करना। तो आपको एक डार्क बैकग्राउंड के साथ लाइट कलर्स जो है दे आर रियली गुड वन। तो आप लाइट ब्लू कलर ले लें, लाइट ग्रे कलर ले लें, डार्क ब्लू कलर ले लें, डार्क ब्लैक कलर ले लें, तो इस तरह से आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं और उस पे लाइट फॉन्ट लाइट कलर जो है बहुत ज़बरदस्त जो है वो देता है। और आप अगर बहुत दूर से जाके देखेंगे तो यू विल गेट अ गुड आइडिया। आपकी वो स्लाइड आप जाके जब भी जहाँ प्रेजेंटेशन देनी हो, आपको अगर हाल में पहले जा चुके हैं या पहले, तो जब सबसे आखिर पे जाके खड़े हो जाइए और वहाँ से देखिए आपकी स्लाइड्स क्या प्रेजेंट कर रही हैं। फिर लाइट, अगर आपका कमरे में बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है तो वाइट बैकग्राउंड जो है वो आपको बिल्कुल वहाँ पर बिल्कुल सत्यानाश कर देगी। तो इसलिए आपको वाइट बैकग्राउंड इन जनरल अवॉइड करें। डार्क बैकग्राउंड में भी गुड वन, तो इस तरह से वो आपको डार्क रूम में भी जो है वो अच्छी रीडेबिलिटी देगी। तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह के कमरे में, कितने कमरे के साइज में, बहुत बड़े हॉल में, तो कहाँ पे आप ये प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। तो ये आपके कंट्रास्टिंग कलर्स हैं, यानी कि ये ब्लू और येलो दिस इज़ गुड वन, लेकिन ये जो एडजस्टेंट कलर्स हैं ये आपस में यूज़ नहीं करने चाहिए, लाइक ग्रीन एंड येलो, ग्रीन एंड ब्लू, तो ये नहीं यूज़ करने चाहिए। तो अब आप देखिए, तो इनको रीड करना आपके लिए उतना आसान नहीं है जितना इन दोनों को रीड करना आसान है। तो आपकी स्लाइड्स की एक चीज़ जो है वो क्या है, रीडेबिलिटी, रीडेबिलिटी, रीडेबिलिटी। तो ग्राफ्स और चार्ट्स को जब आपने देना है तो अगेन वही प्रिंसिपल्स आ जाएंगे कि ऑडियंस उसको इजीली जो है अंडरस्टैंड कर सकें। तो अब ये एक वैसे भी पुअर ग्राफ है, बट एट द सेम टाइम आपके पास जो है वो डिफ़िकल्ट टू रीड है, डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड है, वैसे भी ये पुअर ग्राफ है, तो इसको जो है वो इस तरह का ग्राफ नहीं होना चाहिए। ये एक ईजी टू रीड ग्राफ है जो आपको एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो ईजीली इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है कि जब ऑनलाइन होटल बुकिंग बढ़ रही है तो ट्रैवल एजेंट्स का बिजनेस जो है वो कम हो रहा है। तो आपको एक स्टोरी टेलिंग बन रही है ग्राफिक से। तो आप देखिए, ये टेबल है, तो ये टेबल आपका बड़ा क्लियरली आपका बिल्कुल लेजिबल, कहीं से दूर से बैठे हुए हैं, कोई उसमें ग्रिड लाइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई ऐसी नॉन रिडंडेंट, ऐसी रिडंडेंट इंक नहीं है, तो ये चीज़ें आपको केयर करनी है। तो आपको जब इलस्ट्रेशंस, ये जो नीचे इलस्ट्रेशन गिवन है, तो इस तरह की इलस्ट्रेशंस अवॉइड करनी है अनटिल एंड अनलेस बहुत ही ज़रूरी हो, क्योंकि ये आपका डिस्ट्रैक्शन कॉज करेंगी। अब ये आपको अगर इनकी बेस पे कम्युनिकेट करना है तो इट्स ओके, तो वो फिर आप सेंटर में या कहीं पे दे दें, अदरवाइज इस तरह के डिज़ाइंस को, ये स्लाइड के जो बॉटम राइट पे है, इस तरह की चीज़ों को इंक्लूड नहीं करें। लिमिट ईच स्लाइड टू वन आइडिया। हाँ, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम बेसिकली अपनी स्लाइड्स को बहुत मैसी बना देते हैं। कोशिश करें कि एक स्लाइड में एक आइडिया कवर हो, और अगर उसमें बुलेट्स ज़्यादा हो गए हैं तो वो दो स्लाइड्स हो जाएं, तीन हो जाएं। एक स्लाइड में एक से ज़्यादा आइडियाज़ को कवर करने की कोशिश नहीं करें। डिफरेंट रूल्स हैं, कुछ लोग कहते हैं 4 बुलेट्स पर स्लाइड होने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 6 बुलेट्स पर स्लाइड होने चाहिए, कुछ का ख्याल है कि 5 बुलेट्स होने चाहिए और 5 से ज़्यादा वर्ड्स जो है वो एक लाइन में नहीं होने चाहिए। लेकिन इसमें 19-20 आप वेरिएशन कर सकते हैं, बट डोंट पुट टू मच टेक्स्ट इन योर स्लाइड्स।
अगर आपने बहुत ज्यादा स्लाइड्स में टेक्स्ट पुट कर दी तो बेसिकली आपकी एक सिर्फ पढ़नी मुश्किल नहीं हो जाएगी, देन आप उसको पढ़ रहे हैं और लोग ना सिर्फ आपकी स्लाइड्स को पढ़ रहे हैं, आपको वो सुन भी रहे हैं, तो दे हैव टू पे डबल अटेंशन। सेकंडली, लोग आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई ये स्लाइड्स आप हमें भेज देते, हम पढ़ लेते घर बैठ के, आप यहाँ हमें क्या बताने आए हैं, आप उस पर फोकस कीजिए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा, और सेकंडली आपकी जो रीडिंग स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है देन स्पीकिंग स्पीड देन रीडिंग स्पीड से। तो इसलिए इन चीज़ों को लोगों के ब्रेन्स को टॉर्चर नहीं करें कि आप उधर से उनको कह रहे हैं ये स्लाइड्स है, ये टेक्स्ट है, ये रीड करो, एट द सेम टाइम मुझे सुनो, मेरे पॉइंट को समझो। तो डोंट डोंट मेक योर स्लाइड्स मैसी, दिस इज कॉल्ड डेथ बाई पावर पॉइंट और डेथ बाई एनी सॉफ्टवेयर। तो एक तो ये है कि आपने हर स्लाइड को एक सिंगल आइडिया पे फोकस करना है और हर बुलेट को चंद वर्ड्स तक रखना है। एनिमेशन, अब ये देखिए ये एक एक स्लाइड आ रही है तो ये एनिमेशन हो रही है, तो आप इस एनिमेशन को लिमिट रखें, बहुत ज़्यादा एनिमेशन नहीं करें। और यहाँ मैं एक और बात बता दूँ, अगर आप बहुत बड़े हाल में हैं जहाँ कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है तो फिर क्या करें, फिर एनिमेशन नहीं यूज़ करें। एनिमेशन यूज़ करने का पर्पज़ ये होता है कि आप ऑडियंस को अपने साथ लेके चलते हैं, पिछले वाला बुलेट पॉइंट जो है वो डिम होता जा रहा है। पॉइंट्स टू कीप बुलेट्स पॉइंट्स ब्रीफ, यूज द सेम बैकग्राउंड फॉर ईच कलर, यूज डार्क स्लाइड्स विद लाइट कलर टेक्स्ट इन लार्ज हॉल इवेंट्स। ये अभी तक हमने तीन बातें की हैं कि आपको बुलेट पॉइंट्स ब्रीफ करने हैं, आपको फॉन्ट साइज किस तरह का रखना है, आपको कलर्स क्या करने हैं, आपको बैकग्राउंड और फॉन्ट का कलर क्या रखना है। इस तरह की स्लाइड्स को आपने अवॉइड करना है। ये आपकी डबल अटेंशन सीकिंग जो है वो स्लाइड होती है, जहाँ लोगों को आप इस स्लाइड को पढ़ना भी है और आपकी बात को सुनना भी है। तो प्लीज़ अवॉइड दीज थिंग्स। ये आप कर सकते हैं, अगर आपकी 15 स्लाइड्स हैं, 18 स्लाइड्स हैं, मैं किसी वक्त बात करूँगा कि 18-20 मिनट से ज़्यादा की प्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। तो आपको जो स्लाइड्स हैं आप समझते हैं कि ये एक ऐसी स्लाइड होनी चाहिए जो कि लोग एकदम से ऐसे हो जाएं, तो यू कैन हैव वन स्लाइड टू स्लाइड्स। तो ये देखिए मैंने आपको मैसेज ये दिया कि पहले मेरी स्लाइड्स की एनिमेशन ऐसे 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 हो रही थी, अगली स्लाइड में एनिमेशन ऐसे 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 हो रही है, अगली स्लाइड में ऐसे ऐसे हो रही है, अगली स्लाइड में ऊपर उड़ रही है, अगली स्लाइड में ऐसे, तो दिस इज नॉट गुड आइडिया। तो आप कोशिश करें कि इस तरह की चीज को अवॉइड करें। अगर आप ये करेंगे, अगर आप इससे अपनी प्रेजेंटेशन के लिए हेल्प लेंगे रादर देन मेकिंग इट एज प्रेजेंटेशन, तो आप अवॉइड कर सकते हैं, यू कैन प्रिवेंट डेथ बाई पावर पॉइंट। तो प्लीज फॉलो दिस वेरी सिंपल रूल्स। अगेन मैं एंड कर रहा हूं कि आपको स्टार्ट करना है अपनी ऐसे ऐसे, आपने एनालॉग वे से, पहले प्रेजेंटेशन आपकी हमेशा आपकी डायरी पे आएगी, देन आपकी प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट पे आनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हम इस पे फर्दर बात भी करेंगे।